नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कल होने वाले मुकाबले की, और आपको बताएंगे कि कैसे श्रीलंका पर विराट वार होने वाला है, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे आज फिर पाकिस्तान हारेगा, और आपको मिलवाएंगे टीम इंडिया के उस बाहुबली से जो धोनी विराट पर भी भारी पड़ गए हैं, और चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से जो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारी सहयोगी शैली और सूर्यांशी भी अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों के साथ यहां पर मौजूद हैं। आखिर कौन से खिलाड़ी उनके फेवरेट है उनसे हम जानेंगे। एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने को तैयार दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली, रिकॉर्ड भी उनके साथ है। मनिंदर जी, डेब्यू आप जिसके खिलाफ करते हैं वो टीम हमेशा याद रहती है, और शतक आप जिसके खिलाफ मारते हैं वो भी अगर वही टीम हो तो फिर सोने पे सुहागा। देखिए, श्रीलंका का जहाँ तक सवाल है, आप अभी पैकेज में कह रहे थे कि श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा था उस समय कि किसके खिलाफ इनका प्रदर्शन बढ़िया नहीं है। मेरा भी सवाल यही होने वाला था कि आखिर किनके खिलाफ खराब प्रदर्शन। बिल्कुल, क्योंकि ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करके जो एड्यूलेशन मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो तारीफें मिलती हैं, उसका एक नशा सा हो चुका है विराट कोहली को, और शायद इसी वजह से वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि वो इसको कंसिस्टेंटली मैदान पर उतार सके। और हमने देखा है, आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल की उनके क्रिकेट उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितनी कंसिस्टेंटली हर लेवल पर परफॉर्म किया। लेकिन लगातार मैचेस इधर नहीं हुए हैं श्रीलंका के साथ जितना पहले हुआ करते थे, इसका कुछ असर हो सकता है? नहीं नहीं, कोई असर नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है, मेंटली वो तैयार है, फोकस्ड है, ये उनकी एक खास बात है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फर्क पड़ने वाला कि 2.5 साल से इस टीम के अगेंस्ट खेले नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर श्रीलंका के जो फास्ट बॉलर है मलिंगा, उनको सबसे बेहतरीन अगर किसी ने खेला है तो वो विराट कोहली। ये प्राइम एग्जाम्पल है कि जितना बड़ा चैलेंज होता है उनका फोकस उतना बेहतर हो जाता है, उतना ही बेहतर होता है। शैली, आपको भी लगता है कि विराट कोहली की अगर बात हो तो टीम चाहे जो भी हो, श्रीलंका ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ तो दिखाई दिया चैंपियन की तरह खेलते हैं, वो खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये कलयुग नहीं बल्कि ये तो कोहली युग है। इस टाइम पे वो बहुत ही अनबीटेबल से हो गए हैं, वो चाहेंगे तो खुद हार सकते हैं। और रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका का तो कोई चांस ही नहीं बनता। जब से संगकारा और जयवर्धना ने रिटायरमेंट ली है उसके बाद तो टीम बहुत ही लो लेवल पर, लो ग्राफ पे चली गई है। और रही बात विराट कोहली की, तो जो लास्ट वनडे मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था उसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी, यानी कि तो एक और सेंचुरी की, सेंचुरी से कम की उम्मीद यहां पर नहीं होती। चलिए, कोहली युग है सूर्यांशी, आपको लगता है कि लंका पे डंका तो बजना ही है? शैली ने तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि कोहली युग है, तो अब तो आगे कुछ बोलने की बात ही नहीं है। पर एक बात जो पाजी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो ना हौसले की उड़ान नहीं है, वो हौसले की आंधी है। क्योंकि आप देखिए, रणजी ट्रॉफी में जब उन्होंने डेब्यू किया था उस टाइम पे उनके पिताजी की डेथ उसी दिन हुई थी, और फिर उन्होंने आगे बढ़ा। इसका मतलब उन्होंने वहीं से बता दिया था कि मैं विराट सिर्फ नाम का नहीं हूं, काम का भी हूं। देखिए क्या कमेंट्स आए मनिंदर जी कि ये कलयुग नहीं कोहली युग है, ये हौसले की उड़ान है, और ये उड़ान पता नहीं कहां जाकर थमने वाली है, यानी विराट कोहली। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली नहीं चले तो आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी खलबली मच सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर विराट कोहली नहीं भी चलेंगे तो भी उनमें क्षमता है मैचेस जिताने की। आप देख लीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, हालांकि ऐसा लग रहा था कि किसी स्कूल की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल और वो कैच लेने को भी तैयार नहीं थे। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट है। रोहित शर्मा ने रन्स बनाए, शिखर धवन ने रन्स बनाए, फिर आप युवराज सिंह ने क्या किया आके, उन्होंने तो बिल्कुल, पांड्या को भी नहीं बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो कह रहे हैं कि ये कौन खिलाड़ी यार, हमें तो रात में भी याद आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनकी बैटिंग, हमारी बैटिंग लाइनअप तो बढ़िया थी, बॉलिंग कितनी अच्छी की इंडियन टीम ने। हालांकि ये जरूर था कि 324 रन का टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था पाकिस्तान के लिए, ऐसे में बॉलर्स के हौसले बुलंद हो जाते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एटीट्यूड था, वो बेहतरीन। तो गाने खूब सुनते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं खिलाड़ी, और मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी सीखने को बहुत कुछ। मनिंदर जी, अपने कप्तान के बारे में कहा जाए कि मैदान के अंदर जिस तरह से वो खेलते हैं उससे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैदान के बाहर भी उससे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर की बात भी यहाँ पर आ जाती है। कैरेक्टर तो वो है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे अभी सूर्यांशी कह रही थी कि जब रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया था, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद वो मैदान पर आकर उन्होंने 95 रन्स बनाए, और फिर उसके बाद फ्यूनरल के लिए गए, वो कैरेक्टर उनका वहीं पता चल गया था। और दूसरा, जब आप एक लीडर हैं, आपको केवल मैदान के ऊपर लीड नहीं करना है टीम को, बल्कि मैदान के बाहर भी आपको कंफर्टेबल रखना है अपने खिलाड़ियों को।
आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, क्यों इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, क्योंकि उनको मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी वो एक कंफर्ट जोन में रखते थे और एहसास दिलाते रहते थे कि उनसे क्या उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का ही पीछा कर रहे हैं, उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं विराट कोहली, और इसीलिए अब उन्हें एडमायर किया जा रहा है, न सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर भी। अपने बर्ताव में बहुत ज्यादा बदलाव किया है पिछले कुछ दिनों में विराट कोहली ने। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात उठी है तो पाकिस्तान के खिलाफ MS धोनी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ धोनी से बड़े धमाके की जरूर उम्मीद की जा रही है। तो हिंदुस्तान तो आगे आगे चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? चैंपियंस ट्रॉफी में आज होने वाले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज पाकिस्तान की टीम का एक और बड़ा इम्तिहान होने वाला है। आज पाकिस्तान की टक्कर है नंबर 1 टीम दक्षिण अफ्रीका से। एक तरफ पाकिस्तान की टीम जहां पहले मैच में भारत से 124 रन की मिली हार से पस्त पड़ी हुई है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने पहले मैच में भारत की तरह ही बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। तो क्या पाकिस्तान आज का मुकाबला जीत पाएगा? बहुत बड़ा सवाल मनिंदर जी। तीसरे नंबर की टीम से तो हार का सामना करना पड़ा बुरी तरह से, नंबर 1 टीम से क्या होगा? देखिए, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग है, उनके सारे घर कवर्ड है। पाकिस्तान के लिए भी कह रहे हैं कि ऑन द डे गिवन डे कुछ हो सकता है? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ऑन द गिवन डे, अगर मॉइस्चर है, पिच में मॉइस्चर है, ऊपर बादल छाए हुए हैं, शुरू में 3-4 विकेट्स ले लिए तो फिर प्रेशर आ जाता है सामने वाली टीम के ऊपर। पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो ये काम ये करिश्मा कर सकते हैं, फील्डर्स भी हैं जो उनके करिश्मे को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, फील्डर्स का साथ उनके बॉलर्स को बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि 90-10 रहने वाला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका का बैलेंस बेहतरीन है और फील्डिंग जो आपने जो बात की वो एक बहुत बड़ा प्लस। बिल्कुल, एक एक शब्द में पाकिस्तान जीत सकता है, जीत सकता है? नहीं। मैं तो एक सच्ची देशभक्त हूँ तो साउथ अफ्रीका कोई संभावना नहीं आपको लगता? यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक अच्छे क्रिकेट फैन हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, लेकिन मुकाबला रोमांचक होना चाहिए जैसा कि सभी फैंस उम्मीद करते हैं। आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, और आगे देखिए क्रिकेट मसाला।